वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कि यदि आप नए यूजर्स हैं, नए ट्रेडर्स हैं, तो आप किस प्रकार से अर्निंग कर सकते हैं, अपना पहला शेयर किस प्रकार से खरीदें, आपको क्या क्या देखना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, काफ़ी अच्छी दमदार वीडियो होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केट जो है, आप देख सकते हैं तीन तरह की होती है, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। ये तीन प्रकार के जो एक्सचेंज हैं, इनमें ही हम इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं। इसमें कई प्रकार की ट्रेडिंग्स आ जाती हैं, जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग्स। तो आपको सिंपली करना क्या हो, यदि आप नए हैं तो सबसे पहले आपको इंट्राडे और डिलीवरी दोनों ही ट्रेडिंग समझनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे। इंट्राडे एक दिन की ही ट्रेडिंग होती है, सुबह 9:15 से 3:30 तक जो मार्केट चलती है उसको इंट्राडे बोलते हैं। इसके अंतराल में ही हमें अपना जो शेयर है ख़रीदना और बेचना है, इससे हमें अर्निंग हो जाती है। अब बात करते हैं डिलीवरी। डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी ये होती है कि आप स्टॉक आज खरीदेंगे और आप कभी भी उसे बेच सकते हैं। उसके लिए आप अपना समय निर्धारित खुद ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं यदि आप पहले यूजर्स हैं, नए यूजर्स हैं, तो आप किस प्रकार से, आपको आइडिया होना चाहिए आप किस प्रकार से जुगाड़ लगाएंगे कि अच्छा खासा शेयर आपको मिल सके। सिंपली आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने इंडेक्स है। इंडेक्स के अंदर से आप अच्छा खासा शेयर ले सकते हैं, जो इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के लिए ही उपयुक्त आपके लिए रहेगा। तो आप देख सकते हैं निफ्टी में 50 जो कंपनीज होती हैं, काफ़ी अच्छी दमदार कंपनीज होती है, इनमें से आप अच्छा खासा स्टॉक ले सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए जो स्टॉक की प्रोडक्ट्स हैं, इसकी वैल्यू कैसी है और ये कंपनी कितनी पुरानी है और इस कंपनी की जो वैल्यू है मार्केट में कितनी है। अब बात करते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर सेंसेक्स है, सेंसेक्स से उठा सकते हैं। इसमें भी अच्छे खासे जो कंपनीज हैं वो आपको ब्रांडेड देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बैंक निफ्टी है, इसके अंदर तरह तरह के बैंक्स आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ से भी आप अच्छे खासे उठा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो ऑप्शन है, आपके लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगा नए यूजर्स हैं तो, नए ट्रेडर्स हैं तो। NSE और BSE दोनों ही आपको इक्विटी मार्केट में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले टॉप गेनर हैं, टॉप लूजर हैं, मोस्ट एक्टिव बाई वैल्यूज है, मोस्ट एक्टिव बाई वॉल्यूम्स है। इनमें से भी आप अच्छे खासे शेयर उठा सकते हैं, जो इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के लिए आपके लिए उपयुक्त रहेंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई अन्य कंपनी है तो सिंपली आप क्या करेंगे, वॉच लिस्ट में जाके अपनी जो कंपनी है यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करके आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए ये कंपनी है, सिंपली आपने सर्च कर लिया, सिंपली टैप करेंगे और उसके बाद दोबारा इसको टैप करेंगे तो आपकी जो वॉच लिस्ट है इसके अंदर ये जो कंपनी है ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये कंपनी हमारी ऐड हो चुकी है। इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद बाई करेंगे, बाई करने के बाद आपको सबसे पहले क्वांटिटी डालनी है, उसके बाद लिमिट और मार्केट सेलेक्ट करना है। लिमिट क्या है अपने हिसाब से आप प्राइस तय करेंगे और आप खरीदेंगे। मार्केट क्या है, मार्केट के हिसाब से आपको शेयर मिल जाएगा, आपको विलंब नहीं होगा, देर नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं तीन ऑप्शन है, डिलीवरी है। डिलीवरी क्या है, आप आज ले कभी भी बेच सकते हैं। उसके बाद इंट्राडे, इंट्राडे ये जो होता है शेयर केवल एक दिन के लिए होता है, आपको पहले ही बताया 9:15 से 3:30 के अंदर आपको सिक्योर ओप करना पड़ेगा मार्केट से। उसके बाद मार्जिन क्या है, मार्जिन आपको ये एक प्रकार की मार्जिन फैसिलिटी है जिसमें 1 रुपये के 4 रुपये आपके बन जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये ट्रेडिंग्स कर लेनी है, खासकर आप डिलीवरी और इंट्राडे के ऊपर ध्यान दें। इस प्रकार से आप नए यूजर हैं तो अच्छे खासे शेयर्स आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ से शेयर को सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए यही शेयर हमने सिलेक्ट कर लिया, तो हम किस प्रकार से इसे ओवरव्यू भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सिंपली सिलेक्ट करके आप इसका ओवरव्यू देख सकते हैं कि इसका हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है, वॉल्यूम्स कितनी हैं। और बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स भी आप चेक कर सकते हैं, कंपनी कैसी है, पोर्ट सेक्टर की है, लार्जेस्ट कंपनी कैसी है, आप देख
देख सकते हैं, वैल्यूएशन भी देख सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड्स भी देख सकते हैं ये, और रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं और मार्केट कैप भी देख सकते हैं। और बात करते हैं नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स देख सकते हैं, FFL देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स देख, इंश्योरेंस भी देख सकते हैं। इससे यदि आपके ये चारों छहों पोर्शन अच्छे खासे भरे हैं तो ये दमदार शेयर है। और बात करते हैं मार्केट कैप भी अच्छी खासी होनी चाहिए, इस प्रकार से नए यूजर नए ट्रेडर्स अच्छी खासी ट्रेडिंग करके अच्छा खासी अर्निंग कर सकते हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।